हाय बच्चा पट्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 एक्सरसाइज 20B, बुक फॉलो कर रहे आ रहे हैं अग्रवाल। टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। आज से ये समझो 11th का टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज से स्टार्ट हो रहा है इस वाले लेक्चर से, ठीक है ना। हम आज में पहले पढ़ेंगे स्लोप, के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्लोप के बारे में, स्लोप, ठीक है ना। स्लोप के बारे में, स्लोप किसको बोलते हैं? ध्यान से देखो, स्लोप नहीं क्या होता है, गार्डन समय था ना, बच्चा को ऐसे चलने वाला रहता है ना, स्विंग जैसे चलता है, नहीं तो क्या होता है, जमीन के साथ वो ऊपर से लेकर के नीचे धीरे 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 एंगल बनाते हुए नीचे ऐसे आता है, नहीं मतलब उसको ऐसे समझो। स्लोप को मतलब ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा आपका वाई एक्सिस, ठीक है ना। अब ये रहा कोई भी लाइन, ये क्या है हमारा लाइन है। सुनो, स्लोप क्या बोलता है, ये कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है वो क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। तो स्लोप क्या है, इट इज अ इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, एंगल बिटवीन, क्या एंगल बिटवीन क्या लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कौन सा एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई भी लाइन कितना एंगल बना रहा है वो दिखाता है, ठीक है ना। इसी का मेजरमेंट हम इसको थीटा से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थीटा। स्लोप बोलो, या इसी का दूसरा नाम है ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेडियंट भी बोलते हैं। तो स्लोप बराबर क्या होता है, स्लोप को हम लोग टेन थीटा से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं? टेन थीटा। डिनोट करने का मतलब है टेन थीटा से इस एंगल को मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना। और स्लोप को हम लोग एम से डिनोट करेंगे, तो एम बराबर कितना होगा? टेन थीटा। यानी कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है इसको मेजरमेंट करने के लिए क्या लगाएंगे हम लोग? टेन लगाएंगे, ठीक है ना। अब ये जो है जीरो से बड़ा, जीरो के इक्वल भी होता है और 180 से छोटा होता है, ठीक है ना। चलो ये रहा आपका स्लोप का बात। अब बात करते हैं इसमें ये एंगल दिया रहेगा तब, अगर एंगल दिया नहीं रहेगा तब हम क्या करेंगे। उससे पहले कुछ कुछ पॉइंट है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस, इधर से कौन सा वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो ये लाइन है आपके पास, ये है आपके पास लाइन, ये क्या है, ये लाइन, ठीक है ना। इस लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, कौन सा लाइन बोलो बोलो, कौन सा? वर्टिकल लाइन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वर्टिकल लाइन। इसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन, ठीक है ना। और यहीं पर है आपके पास एक्स एक्सिस, इधर एक्स डैश, यहाँ है वाई और यहाँ है वाई डैश, ठीक है ना। और एक लाइन ऐसी है, तो इसको क्या बोलेंगे? होरिजोनटल लाइन। इसको क्या बोलेंगे? होरिजोनटल लाइन। मतलब ऐसा लाइन जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा वर्टिकल लाइन, ऐसा लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ये लाइन किसके एक्सिस पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, तो वो क्या कहलाएगा? होरिजेंटल लाइन। अब आता है इसमें होरिजेंटल लाइन और पैरेलल लाइन, ठीक है ना। एक उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास इसमें, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑब्लिक लाइन। नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा? ऑब्लिक लाइन किसको बोलते हैं? ऐसा लाइन जो क्या होगा, नाइदर होरिजेंटल नाइदर होरिजोंटल होरिजोंटल नॉर वर्टिकल नॉर वर्टिकल, ऐसा लाइन जो ना ही होरिजेंटल होगा ना ही वर्टिकल होगा वो क्या कहलाएगा? ऑब्लिक लाइन कहलाएगा, ठीक है ना। यही था आपके पास कौन सा? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन किसको बोलेंगे? पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है ना। होरिजेंटल लाइन किसको बोलेंगे? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं, अब मान लो यहां पर एंगल नहीं दिया रहेगा, क्या नहीं दिया रहेगा? एंगल दिया नहीं रहेगा तब क्या होगा? अगर दो पॉइंट दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे? स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, कितना पॉइंट से? दो पॉइंट से पास करेगा, तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे? देखो मान लिए यहाँ पर हमारा ये रहा x, ये रहा आपका y, ये कोई लाइन है ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पर कोई पॉइंट है आपके पास a, यहाँ पर कोई पॉइंट है b, a से am परपेंडिकुलर, b से bm, तो ये रहा m, ये रहा n। a का कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 और b का कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2, ठीक है ना। यहाँ पर एंगल बना रहा है थीटा, ध्यान से सुनो, ये भी एंगल क्या बनाएगा? इधर थीटा ही बनाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ओरिजिन है, तो यहाँ से यहाँ तक ओ एम क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स कॉमा वाई है तो ये हो जाएगा एक्स वन, ठीक है ना। और यहाँ ओ से लेकर के एन तक ये क्या हो जाएगा आपका,
एक्स टू, ठीक है ना। ध्यान सुनो, ये वाला जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा वाई वन, क्यों हो जाएगा वाई वन, क्योंकि वाई के पैरेलल है, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा वाई टू, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका नाम दीजिए ए बी, इसका नाम दे दो आप सी नाम दे दो, ठीक है ना। अब यहाँ पर से देखो क्या क्या माने हम, लेट हमने कंसिडर किया ए क्या है एक्स कॉमा वाई एंड क्या बी एक्स टू कॉमा वाई टू बी एनी पॉइंट एट कहाँ लाइन, ठीक है ना। उसके बाद ए एम परपेंडिकुलर किस पे डाला ओ एक्स पर, उसके बाद बी एन परपेंडिकुलर किस पे डाला हमने ये भी ओ एक्स पर, ठीक है। तो ओ एम बराबर क्या मिला हमको एक्स वन, और ओ एन बराबर क्या मिला हमको एक्स टू, ठीक है। ए एम क्या मिला वाई वन, ए एम मिला आपको कितना वाई वन, और बी एन क्या मिला वाई टू, बी एन मिला कितना वाई टू, ठीक है ना। ये वाला यहाँ वाई टू, इस पॉइंट का नाम दे दो सी, ठीक है ना। अब यहाँ देखो जो एंगल यहाँ बनाएगा वही एंगल यहाँ बनाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर से देखो एम एन चाहिए हमको, ध्यान से एम एन, तो एम एन कैसे निकालेंगे, इस पूरा में तो इतना माइनस कर दो, तो एम एन बराबर क्या लिख सकते हैं हम एक्स टू माइनस एक्स वन, देखो ना ये पूरा एक्स टू ये एक्स वन, इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। चलो अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट एम एन निकल गया, अब ये चाहिए बी कितना ये देखो बी सी चाहिए, तो बी सी क्या निकलेगा कैसे निकलेगा, ये पूरा का पूरा कितना वाई वन, ये सॉरी ये यहाँ से यहाँ तक वाई टू, और ये कितना यहाँ से यहाँ तक वाई वन है, तो वाई टू में से वाई वन को घटा देंगे बी सी निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा, ठीक है ना। अब इन ट्राइंगल ए बी सी में, इन ट्राइंगल बी ए सी टेन थीटा लगाओ, तो टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कौन सा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ये बी, तो बी सी बट्टा कितना होगा यहाँ से ए सी, अरे होगा तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा बराबर बी सी का वैल्यू कितना वाई टू माइनस वाई वन, और यहाँ से ए सी का मान कितना ए सी ए सी ए सी कितना यहाँ जो एम एन होगा वही ए सी होगा, तो ए सी और एम एन बराबर, तो ये ए सी ये कितना हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है ना। और यही जो टेन थीटा है ये क्या होता है, इसी को टेन थीटा को क्या बोलते हैं स्लोप, तो फाइनली स्लोप कितना निकला y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब दो पॉइंट दिया रहेगा तब क्या निकालेंगे स्लोप y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। किसका फॉर्मूला है स्लोप निकालने का, कब जब ये एक लाइन दो पॉइंट से पास करेगा तब। ये किसका फॉर्मूला है m बराबर tan थीटा, किसका एक लाइन होगा जो किसके साथ x एक्सिस के एंगल बना रहा होगा तब इसको लगाएंगे। अगर थीटा पता होगा तो स्लोप ऐसे लगाएंगे tan थीटा करके, अगर दो पॉइंट दिया रहेगा तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे स्लोप के लिए y2 minus y1 upon x2 minus x1। क्लियर है यहां तक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं बच्चों। अब अगला टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइन, यानी दो लाइन के बीच में हम एंगल कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हमने माना ये है लाइन वन, ये है माना लाइन टू। लाइन वन जो है का स्लोप हमने माना थीटा वन, और लाइन टू कितना है थीटा टू। और ये देखो एंगल बिटवीन टू लाइन, इस लाइन के और इस लाइन के बीच में ही एंगल बन रहा है थीटा, ये भी बन रहा था, इसको बाद में देखेंगे पहले इस पे गौर करते हैं, ठीक है ना। लेट क्या माना हमने, यहाँ पर से देखो थीटा इज इक्वल टू हमने माना एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है ना। और यहाँ से देखो यहाँ पर से क्या है m1 वन इज इक्वल टू क्या माना स्लोप ऑफ क्या लाइन वन, स्लोप ऑफ लाइन वन, तो m1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं tan थीटा वन लिख सकते हैं ना, क्योंकि एंगल tan थीटा बना रहा है। फिर है आपके पास m2 बराबर हमने माना स्लोप ऑफ किसका लाइन टू, तो m2 टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा टू, अरे होगा क्योंकि देखो ना लाइन टू के साथ थीटा टू बना रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर से एक ज्योमेट्री में एक लगाएंगे फॉर्मूला हम, यहाँ से वी नो दैट लिखेंगे। देखो बाहर में एंगल कौन सा ये वाला है, तो इंटीरियर एंगल इस दोनों के सम के इक्वल हो जाते हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे थीटा प्लस थीटा वन बराबर थीटा टू, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा टू और माइनस थीटा वन हो जाएगा। अब दोनों तरफ लगाएंगे टेन, क्या लगाएंगे हम
tan, तो ये tan theta और यहाँ हो जाएगा tan theta 2 minus tan theta 1। अब यहाँ फॉर्मूला लगेंगे tan a minus b, देखो इधर फॉर्मूला tan a minus b का क्या होता है, tan a minus tan b अपॉन 1 प्लस tan a into tan b, ये फॉर्मूला पढ़े थे कहाँ, बोलो बोलो ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है ना। तो यहाँ a क्या हो गया theta 2, b क्या हो गया theta 1, तो क्या फॉर्मूला होगा, tan theta 2 माइनस कितना tan theta 1 अपॉन 1 प्लस tan theta 2 इनटू tan theta 1, ये कितना निकला tan theta, ठीक है ना। अब देखो tan theta अपने जगह सही है, अब tan theta 2 के जगह पर क्या देंगे हम m2, tan theta 1 के जगह पर क्या लिखेंगे m1, और 1 प्लस फिर tan theta 2 कितना m2 इनटू कितना m1, तो फाइनली tan theta इज इक्वल टू कितना निकला m2 माइनस कितना m1 अपॉन 1 प्लस कितना m1 इनटू m2, ठीक है। चलो उधर निकल गया, यही हो गया एंगल बिटवीन टू लाइन। लेकिन 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 यहाँ पर ये जो एंगल है ये भी तो बना रहा है, दो लाइन के बीच का ये भी तो एंगल है, ये पूरा कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक पूरा अगर इसको करोगे ऐसे ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, लेकिन यहाँ सिर्फ इसका बात करें हम तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, तो मतलब एक एंगल और है थीटा इक्वल्स टू क्या है 180 डिग्री माइनस थीटा, तब इस थीटा को यहाँ टेन में पुट करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा बोलो टेन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू, ये तो सेम रहेगा एम टू माइनस एम वन अपॉन 1 प्लस एम वन इंटू एम टू, टेन 180 माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा, और ये रहा एम टू माइनस एम वन और अपॉन कितना 1 प्लस एम वन इंटू एम टू, अब यहाँ माइनस है तो माइनस दूसरे तरफ जाएगा तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना उधर गया, तो माइनस इधर हो जाएगा m2 माइनस कितना m1 अपॉन 1 प्लस m1 इनटू m2, क्या दिख रहे एक प्लस में और एक माइनस में निकला। इसीलिए जब भी एंगल निकालेंगे तो आप यहाँ tan थीटा लिख करके मॉड के अंदर में लिखेंगे m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इनटू m2, यहाँ पर क्या है m2, ठीक है ना। तो फाइनली एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला निकला tan theta is equals to m2 minus m1 upon 1 plus m1 into m2, ये कब लगाएंगे फॉर्मूला जब दो लाइन के बीच का एंगल निकालना रहेगा तब, जहां m1 क्या है स्लोप ऑफ लाइन 1, m2 क्या है स्लोप ऑफ लाइन 2, ठीक है। अब चलो इसमें दो प्रॉपर्टीज है उसको देखते हैं, फर्स्ट नंबर इफ लाइन वन परपेंडिकुलर होगा लाइन टू पर, क्या होगा लाइन वन परपेंडिकुलर होगा लाइन टू पर, तो लाइन वन परपेंडिकुलर होगा मान लो यहाँ पर देखो ये रहा लाइन वन ये रहा लाइन टू, लाइन वन और ये रहा कितना लाइन टू, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर कितना बनाएगा थीटा बनाएगा 90 डिग्री, थीटा कितना बनाएगा वो 90 डिग्री। अब यहाँ से देखो टेन थीटा बराबर बिना मोड का ही सॉल्व करेंगे अभी, तो टेन थीटा बराबर क्या निकालें हम m2 माइनस कितना m1 अपॉन 1 प्लस कितना m1 इंटू m2, तो थीटा की जगह क्या पुट करेंगे हम 90 डिग्री, ये हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस कितना m1 इंटू m2, tan 90 कितना होता है इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस कितना m1 इंटू m2, इनफाइनाइट को क्या 1 बाय 0 लिख सकते हैं, इनफाइनाइट को क्या लिखते हैं 1 बाय 0 लिखते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे इधर से 1 टू 1 से करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस m1 इंटू m2, m1 इंटू m2, इसको कर दोगे तो सारा टर्म 0, तो यहाँ फाइनली क्या निकला m1 इंटू m2 बराबर माइनस 1, ठीक है ना। क्या सीखे यहाँ पर कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का लाइन का प्रोडक्ट यानी दोनों के लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट क्या देगा माइनस वन, मतलब दोनों लाइन का स्लोप निकाल लेना उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे माइनस वन आ गया तो क्या बोलेंगे यस लाइन वन और लाइन टू एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, क्लियर है। चलो दूसरा नंबर है पॉइंट इफ लाइन वन पैरेलल होगा किसके लाइन टू के, भाई देखो ये लाइन ही है पैरेलल है तो पैरेलल लाइन होता तो एंगल क्या बनता है जीरो डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो डिग्री। अब यहाँ देखो यहाँ 90 की जगह पर जीरो दो
ये हो जाएगा आपके पास टेन जीरो। यहाँ पर कितना है एम टू माइनस एम वन, और वन प्लस कितना इधर एम वन एन टू एम टू। टेन जीरो कितना होता है जीरो, ये रहा एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस कितना इधर से एम वन इंटू एम टू। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इधर हो जाएगा जीरो से खत्म, यहाँ हो जाएगा कितना एम टू माइनस एम वन। एम वन को इधर ले आओगे तो एम वन बराबर में उधर क्या बचेगा एम टू, ये है एम टू। क्या सीखे कि अगर दो लाइन पैरेलल होगा तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। क्लियर है, अगर दो लाइन का स्लोप इक्वल है मतलब वो क्या है परपेंडिकुलर है। अगर दो लाइन के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन माइनस वन दे रहा है इसका मतलब दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। अगर दो लाइन का स्लोप बराबर है मतलब दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। क्लियर है, इसकी शॉर्ट लीजिए। अब क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 20 बी का, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन हुज इंक्लिनेशन इज दिस वन। मतलब एक दो तीन चार क्वेश्चन है इसमें, एंगल दिया हुआ है थीटा का मान, तो कहता है स्लोप कितना होगा। तो पहला नंबर में क्या है थीटा का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा, तो टेन इधर से कितना 30 डिग्री, और टेन 30 डिग्री कितना होता है वन बाई रूट थ्री, तो यहाँ वन बाई रूट थ्री लिख दिए। ठीक है, देखो आंसर देखो एकदम सही है करेक्ट है। ठीक है ना, चलो सेकेंड नंबर क्या है 120 डिग्री है, तो स्लोप इज इक्वल टू यहाँ आप क्या लिखेंगे टेन 120 डिग्री। तो 120 को कैसे सॉल्व करते हैं 90 और प्लस कितना 30। ठीक है ना, तो 90 है तो फंक्शन चेंज होगा, ये हो जाएगा cot 30, 90 प्लस थीटा सेकेंड कॉट में ये माइनस होगा। अगर देखो जिसको अगर इसे वैल्यू निकालने का दिक्कत होता है ना तो 11th वाले वीडियो में जाइए, इसमें ट्रिगोनोमेट्री वाले में प्लेलिस्ट में जाइए ट्रिगोनोमेट्री, वहाँ क्वाड्रेंट है उसको देखिए पूरा समझ में आएगा, वहाँ हम निकालना सिखाए हैं। तो माइनस cot 30, cot 30 कितना होता है रूट थ्री, यही आंसर है। देखो आंसर देखो करेक्ट है। चलो थर्ड नंबर है आपके पास स्लोप है आपके पास क्या लिखेंगे टेन, और यहाँ पर एंगल कितना है 135, कितना है 135, तो इसको 135 को क्या लिखेंगे 90 और प्लस कितना 45 लिखेंगे, एकदम लिखेंगे। तो फिर से टेन 90 प्लस थीटा पे जाएगा तो माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट इधर से कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो माइनस तो सही है कॉट 45 कितना आता है 1, तो इसका भी आंसर निकल गया। उसके बाद फोर नंबर है कितना है स्लोप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ देखो टेन 90 डिग्री है तो 90 डिग्री को क्या लिखते हैं इनफाइनाइट, तो इसको इनफाइनाइट को हम क्या लिखेंगे अनडिफाइंड। देखो आंसर अनडिफाइंड आंसर होगा या नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड लिखो या नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट है आपके पास सेकेंड नंबर में पढ़ो हेडिंग क्या है फाइंड द इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप इज, मतलब इस पर क्या किया स्लोप दिया है तो थीटा निकालना है। तो फर्स्ट नंबर में स्लोप इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है रूट अंडर थ्री, तो स्लोप को क्या लिखते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री, तो टेन किसका वैल्यू रूट थ्री होता है बोलो, टेन किसका 60 डिग्री का, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इधर से 60 डिग्री। देखो आंसर देखो करेक्ट है। उसके बाद सेकेंड नंबर क्या है स्लोप दिया हुआ है सेकेंड नंबर में कितना वन बाई रूट थ्री, तो आप वन बाई रूट थ्री लिख दीजिए, स्लोप की जगह पर क्या लिखेंगे हम टेन थीटा, इधर क्या लिखेंगे वन बाई रूट थ्री, तो टेन थीटा अपने जगह बिल्कुल सही है, वन बाई रूट थ्री किसका वैल्यू होता है टेन 30 डिग्री का, तो थीटा इज इक्वल टू इधर से कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये एक आंसर ये यहाँ पर एक आंसर ये। ठीक है चलो नेक्स्ट थर्ड नंबर है वन है, तो स्लोप इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इधर से वन, तो स्लोप की जगह पर क्या लिखेंगे टेन थीटा वन, तो वन किसका वैल्यू होता है कितना का वैल्यू वन होता है टेन में, तो टेन 45 डिग्री का, तो थीटा इज इक्वल टू क्या निकला इधर से 45 डिग्री, एक आंसर ये हो जाएगा। चलो फोर नंबर है स्लोप है माइनस वन, तो स्लोप इज इक्वल टू कितना माइनस वन, तो स्लोप की जगह क्या लिखेंगे टेन थीटा, यहाँ माइनस रहने दो, और वन वन की जगह पर क्या लिखेंगे टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री। ठीक है ना, अब माइनस टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है टेन 90 प्लस थीटा, सॉरी 90 नहीं 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा 180 माइनस 45 डिग्री। ठीक है ना,
तो यहां से tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 180 में से 45 घटाओगे तो 135 होगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 135 डिग्री। क्या बोले यहाँ 180 कहाँ से लाए, जो देखो माइनस tan थीटा माइनस है ना, तो माइनस tan थीटा का फॉर्मूला होगा tan 180 डिग्री माइनस थीटा, थीटा जगह 45, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ देखो tan 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस tan थीटा, ठीक है ना, तो इसी को हम यहाँ यूज किए हैं, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट है आपके पास 5 नंबर, स्लोप इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -√3। तो स्लोप की जगह आप tan थीटा लिखिए -√3, माइनस को लिखो √3, tan किसका √3 होता है, tan 60 डिग्री का, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री। फिर से देखो माइनस आया, तो माइनस की जगह पर इस माइनस के लिए कौन सा, ये फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, तो टेन कितना 180 लिखो, या एंगल की जगह पर 60 है तो इसको लिख दीजिए, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अब दोनों तरफ टेन है तो इधर से थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 120 डिग्री, यही आंसर होगा, ठीक है ना, एक आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर मिला लो, 120 डिग्री ठीक है, 135 ठीक है, 45 भी ठीक है, एंड 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, क्लियर है यहाँ तक, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ दिस वन दिस वन, मतलब चार क्वेश्चन है, सब क्या क्या दो पॉइंट से पास कर रहा है, तो स्लोप क्या होगा, यहाँ लिखो सॉल्यूशन, बड़ा इजी है। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट नंबर में क्या है, 0,0, एंड दूसरा क्या है 4,-2, तो इसको मानिए एक्स वन, ये रहा वाई वन, इसका नाम दीजिए एक्स टू और इसका नाम दीजिए वाई टू, ठीक है ना। तो जब दो पॉइंट से पास करता है तो स्लोप के लिए अभी फॉर्मूला क्या निकाले हैं, वाई टू माइनस वाई वन, देखो 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 इन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन निकाले हैं, चलो बड़ा बढ़िया निकाले। तो चलो वाई टू कितना -2, वाई वन कितना 0, एक्स टू कितना 4, एक्स वन कितना 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा -2/4 कट गया, तो यहाँ क्या बचा -1/2, यही आंसर होगा, टू टाइम में कट गया था। चलो नेक्स्ट है सेकेंड नंबर है 0,-3 एंड 2,1, तो ये रहा एक्स वन, इसका नाम दिए वाई वन, ये रहा आपका एक्स टू, ये रहा आपका वाई टू, ठीक है ना। अब यहाँ लिखो स्लोप, स्लोप के लिए क्या फॉर्मूला, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है ना। चलो अब वाई टू कितना 1, वाई वन कितना -3, तो माइनस माइनस +3, एक्स टू कितना 2, एक्स वन कितना 0, यहाँ कितना हो जाएगा 3 × 4 बट्टा में 2 कट गया, इधर क्या बचा 2, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 2। थर्ड नंबर है देखो पॉइंट कितना है 2,5, कितना है 2,5 एंड -4,-4, तो -4,-4, ठीक है ना। अब यहां लिखेंगे स्लोप, तो स्लोप के लिए क्या फॉर्मूला है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू कितना -4, वाई वन कितना -5, एक्स टू कितना -4, एक्स वन कितना 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा -9/-6 कट गया, माइनस माइनस 3 टाइम में, यहाँ 2 टाइम में 3 2 जाए, या 3 3 यानी 3 3 9, 3 2 9 6, तो 3/2, यही आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपके पास 4 नंबर, 4 नंबर में क्या पॉइंट है, -2,3, कितना है -2,3 एंड कितना यहाँ 4,-6, तो 4,-6, तो इसका नाम दीजिए एक्स वन, ये रहा वाई वन, इसका नाम दो एक्स टू, ये रहा वाई टू, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, लिखेंगे स्लोप, यहाँ क्या लिखेंगे स्लोप, तो क्या होगा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन कितना एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू कितना -6, वाई वन कितना 3, एक्स टू कितना 4, एक्स वन कितना -2 तो +2, -6 -3 तो -9, यहाँ 4 2 कितना होगा 6, तो 3 बार में यहाँ 2 टाइम में कट गया, तो -3/2, यही आंसर हो जाएगा। देखो कितना इजी है, सिर्फ फॉर्मूला लगाए और आंसर निकलता है, क्लियर है। चलो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।